नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 8 तक पूरी तरीके से पढ़ लिया था। भाग 8 में आपने वंशांगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, जिसे सटन और बोवेरी ने प्रस्तुत किया था। सटन और बोवेरी ने गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर यह सिद्धांत दिया था, लेकिन इसका प्रयोगात्मक सत्यापन जो किया था वो थे मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रयोगात्मक सत्यापन इस सिद्धांत का दिया कि वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं, इसको प्रयोगों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे सटन और बोवेरी ने। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया था, तो वो थे थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथी। तो नेक्स्ट टॉपिक ही आपका है कि वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन। तो पहले तो ये जान लें कि वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किसने दिया था? सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन ने, मॉर्गन व उनके साथियों ने किया। सटन और बोवेरी ने तो बताया था कि गुणसूत्र का व्यवहार वैसा ही है जैसा मेंडल के कारक यानी जीन का था। सटन और बोवेरी ने प्रयोग नहीं किया था, वो अध्ययनों के आधार पर ये बता रहे थे। थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने इस पर प्रयोग किया और बताया कि ये जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो सही है। मॉर्गन ने किस पर प्रयोग किया था? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खी पर अपना प्रयोग किया था। फल मक्खी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, याद करिए मॉर्गन ने किस पर प्रयोग किया था। खूब क्वेश्चन पूछा था, तो मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर प्रयोग किया था। क्यों चुना फल मक्खी को? जैसे आपसे पूछा गया करेंगे मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, वैसे ही यहां पर भी पूछा जा सकता है कि मॉर्गन ने फल मक्खी को ही क्यों चुना। तो इसके बहुत सारे रीजन थे। पहला, इन्हें प्रयोगशाला यानी लैब में सरल कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता था, यानी इनको रखने का व्यवस्था सरल था। दूसरा, इनका पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है, ये दूसरा रीजन है। तीसरा, इनमें एकल मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, एकल मैथुन में विशाल संख्या में संतति मक्खियां उत्पन्न हो सकती थी, यानी एक बार मैथुन की क्रिया में बहुत सारी मक्खियां उत्पन्न हो सकती थी। दूसरा, इनमें लिंग विभेदन स्पष्ट था, यानी नर व मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी।
नेक्स्ट। इनमें आनुवंशिक विविधताएं अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, जिन्हें कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था ठीक है। सटन और बोवेरी ने वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया तो था, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट करके नहीं प्रूफ किया था। उनकी ये अवधारणा थी, क्योंकि वो गुणसूत्र पर अपना अध्ययन करते थे, गुणसूत्र का व्यवहार देखा तो वैसा ही था। युग्मक जनन के समय गुणसूत्र वैसे ही पृथक हो रहे थे जैसे मेंडल के आनुवंशिक कारक पृथक होते थे। इसके आधार पर सटन और बोवेरी ने बताया था कि आनुवंशिक कारक यानी जीन इन गुणसूत्रों की तरह ही वहन होते हैं, और इस आधार पर उन्होंने वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने यह प्रयोग करके सत्य किया कि जो भी सटन और बोवेरी ने बताया, जो मेंडल ने बताया, वो सत्य है। तो मॉर्गन ने किस पर अपना प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। क्यों इन्होंने फल मक्खी को ही चुना? तो उसके 5 रीजन तुरंत याद करेंगे। इनको प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता था। दूसरा, इनका पूरा जीवन चक्र सिर्फ 2 सप्ताह के हैं पूर्ण हो जाता था। तीसरा, इनमें एकल जनन से विशाल संख्या में संतति मक्खियां उत्पन्न हो सकती थी। चौथा, इनमें लिंग निर्धारण या लिंग विभेदन स्पष्ट था। नर और मादा को देखकर ही पहचाना जा सकता था कि कौन नर है कौन मादा। और पांचवा, इनमें आनुवंशिक विविधताएं बहुत पाई जाती हैं, जैसे उन मक्खी में आंखों का रंग अलग अलग प्रकार के, शरीर का रंग अलग अलग प्रकार के। तो इस तरह से बहुत सारी आनुवंशिक विविधताएं उन मक्खियों में पाई जा सकती थी जाती थी जिन्हें हम सरल या कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। ठीक, ये था मॉर्गन ने फल मक्खी को क्यों चुना। अब हम आपको बताते हैं कि मॉर्गन ने फल मक्खी पर किस प्रकार से प्रयोग किया। हुआ ये कि मॉर्गन ने फल मक्खी, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसके वाइल्ड टाइप को मतलब समझिएगा। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है कि जो नेचुरल फॉर्म में पाई जाती हैं, नेचुरल फॉर्म में पाई जाए, यानी प्राकृतिक रूप से जो फल मक्खी, जानते हैं ना, फल मक्खी जो फलों पर बैठती हैं, यही जो आपको मक्खियाँ दिखती हैं जली बिली बीच जो बैठती हैं, तो फल मक्खी जो हैं उनका जो वाइल्ड टाइप जो शब्द प्रयोग किया गया है, उनके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्वरूप के लिए प्रयोग किया गया है। यानी जो हम प्राकृतिक रूप से मक्खी देखते हैं वो वाइल्ड टाइप होती हैं, यानी जिसे हम नेचुरल फॉर्म कहते हैं। और वाइल्ड टाइप की जो मक्खियाँ हैं उनका जो आप नेत्र का रंग देखेंगे तो उनके नेत्र का रंग लाल होता है, ठीक है, रेड आइड। बात को समझिएगा, जो सामान्य रूप से पाई जाने वाली मक्खियां हैं उनकी आंखें लाल रंग की दिखती हैं। मॉर्गन जब इन फल मक्खियों पर प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लाल नेत्र वाली सारी मक्खियां लाल नेत्र वाली हैं, लेकिन उन समूह में उन्होंने एक ऐसे मक्खी को देखा जिसका नेत्र का रंग सफेद था, ठीक है। उन्होंने देखा एक ऐसे मक्खी को जिसका नेत्र क्या था, सफेद था, यानी वाइट आइड था। तो अब ये अलग हो गया ना, उन मक्खियों के समूह में एक अलग मक्खी दिखा जो सफेद नेत्र वाला था। तो अब मॉर्गन ने पकड़ लिया उसको और कहा कि अब तो तुम पे हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तुम इनसे भिन्न हो, जो अलग होता है सामान्य से भिन्न होता है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ विशेषता है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ आप नया चीज़ खोज पाएंगे। तो मॉर्गन ने यही किया, मॉर्गन को समूह में एक सफ़ेद मक्खी दिखा, उन्होंने इस पर प्रयोग अपना करना शुरू कर दिया। और मॉर्गन ने बाद में इसकी सत्यापन तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने एक और लक्षण जिसे हम सहलग्नता कहते हैं इसका भी खोज किया। सहलग्नता की खोज का श्रेय किसको जाता है? मॉर्गन को ही जाता है। तो सफ़ेद रंग की, सफ़ेद नेत्र वाली मक्खी को जब उन्होंने देखा
तो फिर इन्होंने इस पर प्रयोग करना शुरू किया। अब आइए दिखाते हैं कि क्या प्रयोग किया। याद रखेंगे कि मॉर्गन ने जो सफेद मक्खी देखी थी, सफेद नेत्र वाली जो मक्खी देखी थी, वो नर थी। वो क्या थी? नर, मादा नहीं थी। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा, ये वाइल्ड टाइप है जो नेचुरल फॉर्म में पाई जाती हैं, मक्खियां जिनका नेत्र का रंग लाल है। जो सफेद रंग की, सफेद नेत्र वाली मक्खियां हैं, उन्हें हम कहते हैं म्यूटेंट टाइप। म्यूटेंट टाइप क्यों कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें कुछ आनुवंशिक बदलाव के कारण वो सामान्य से भिन्न हो जाते हैं, उन्हें हम म्यूटेंट कहते हैं। म्यूटेंट, समझ में आया? तो यह सामान्य रूप से भिन्न हो गया, नेत्र इसका सफेद हो गया। जब समूह में भाई दिख रहा है सबके सब लाल नेत्र वाले, अब उसमें हजारों में से एक ठू सफेद दिख जाए, तो वो क्या अलग ही हुआ ना? तो कहीं ना कहीं वो आनुवंशिक विभिन्नता के कारण उत्पन्न हुआ, उसे हम म्यूटेंट टाइप कहते हैं। जो सामान्य रूप से प्रकृति में पाया जाता है उसे हम नेचुरल फॉर्म या वाइल्ड टाइप कहते हैं। तो मॉर्गन ने क्या किया कि इस म्यूटेंट टाइप, चूंकि सफेद नेत्र वाला क्या था? नर था। इस नर का संकरण लाल नेत्र वाली मक्खी से किया। यहां पर हम सफेद का प्रयोग ना करके श्वेत शब्द का प्रयोग करेंगे, श्वेत यानी वाइट, क्योंकि बहुत सारी किताबों में यही लिखा है और हम भी लिखवाएंगे श्वेत ही, इसलिए हम श्वेत ही पर प्रयोग करेंगे। श्वेत नेत्र वाले नर, नर के लिए यही सिंबल यूज करते हैं ना, और लाल नेत्र वाले मादा का आपस में संकरण कराया। उन्होंने श्वेत नेत्र वाले नर मक्खी का संकरण लाल नेत्र वाली मादा मक्खी से कराया। तो जैसा कि एक्सपेक्ट था कि इनसे जो F1 संतति बनेगी वे सारे के सारे क्या हुए? एक ही लक्षण वाले होंगे। मेंडल तो यही कहते हैं ना कि जो प्रभावी लक्षण होगा वही व्यक्त होगा F1 में। तो F1 में सब के सब लाल नेत्र वाले उत्पन्न हुए। तो अब तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा इनमें प्रभावी है। लाल ही नेत्र प्रभावी है, तभी तो F1 में वो प्रकट हुआ, लाल नेत्र। दो नर दो मादा F1। उन्होंने देखा मेंडल का जो नियम था वो एकदम सही जा रहा है। मेंडल का नियम क्या कहता था कि जब दो लक्षणों वाले नर और मादा का क्रॉस कराते हैं तो F1 में एक ही लक्षण वाला जीव उत्पन्न होता है, एक ही लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जीन उत्पन्न होता है, उसी लक्षण को प्रदर्शित करता है जो प्रभावी हो। यानी यहां पर एक बात आपको यह भी पता चल गई कि लाल नेत्र क्या है, ऐसा लक्षण है जो प्रभावी है, श्वेत नेत्र क्या है, ऐसा लक्षण जो अप्रभावी है, वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है। यही तो मेंडल ने कहा था कि F1 में सारे के सारे संततियां एक समान होंगी, उनमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा। फिर उन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने F1 संततियों में की मादा का संकरण इस नर से कराया। उसके बाद उन्होंने F2 पीढ़ी को देखा। F2 पीढ़ी में एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मेंडल का नियम कहता है, उनमें तीन एक लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण व्यक्त होता है। यही तो मेंडल का नियम था, 3:1 रेशियो। ये क्या है? F2 जनरेशन। मॉर्गन ने पाया कि मेंडल जो नियम दिए थे एक संकर संकरण में कि F1 में सारे के सारे जो संततियां होंगी वे प्रभावी लक्षण वाली होंगी, और जो F2 पीढ़ी होगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा।
यही तो दिया था लक्षण प्रारूप का अनुपात। देखिए, तीन लाल नेत्र वाले और एक श्वेत नेत्र वाला उत्पन्न हुआ। मॉर्गन ने इस नियम की इस प्रयोग के आधार पर यह सत्य कर दिया कि सटन और बोवेरी ने जो क्या कहा था वो अभी रोकेंगे। मॉर्गन ने कहा इस प्रयोग के आधार पर कि जो मेंडल का एक संकर संकरण का नियम है वो एकदम सही है, एफ वन में वही रेशियो आ रहा है, एफ टू में भी वही रेशियो आ रहा है। बात करते हैं कि सटन और बोवेरी ने तो गुणसूत्र के आधार पर कहा था ना, ये तो नॉर्मल है, यहां पर हम कहेंगे गुणसूत्र का प्रयोग नहीं किए। अब इसी लक्षण को हम गुणसूत्र के आधार पर करके दिखाते हैं। मॉर्गन ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया, कि मेंडल का एक संकर संकरण सही है। उन्होंने देखा, आपको भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो श्वेत नेत्र वाला मक्खी उत्पन्न हुआ है वो क्या है, नर है। नर ही तो है, ये नर है, ये भी देखिए नर है। दो नर और दो मादा बनी थी। मॉर्गन ने देखा कि भाई श्वेत नेत्र वाला जो मक्खी है नर है। उन्होंने सोचा कि आखिर श्वेत नेत्र वाली मादा क्यों नहीं बनी। उन्होंने पैरेंट पर ध्यान दिया तो पैरेंट इनका जो नर है वही श्वेत नेत्र है। उन्होंने देखा कि जब पैरेंट श्वेत नेत्र है यानी नर श्वेत नेत्र है तो उनकी संतति एफ1 में उनका नर ही श्वेत नेत्र हुआ, मादा श्वेत नेत्र वाली नहीं हुई, सफेद आंख वाली नहीं हुई। तो मॉर्गन इस बात से भी चिंतित हुए, ठीक है। तो मेंडल ने दो चीजें देखा, एक तो मेंडल का नियम सही था, दूसरा इस पर भी ध्यान दिया कि जो अप्रभावी लक्षण था वे उसी संतति में उत्पन्न होता है, नर संतति में उत्पन्न होता है यदि नर जनक होता है। अब यहां पर हम कुछ बातें आपको बता दें कि यहां पर हम उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके आधार पर श्वेत नेत्र के आधार पर मॉर्गन तो ये जानते थे कि जो किसी भी लक्षण का जो जीन है, जीन कहां पर पाया जाता है, गुणसूत्र पर, ये मॉर्गन जानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लक्षण है वो किसी एक लिंग पर ही आधारित है, आखिर श्वेत नेत्र वाली मादा क्यों नहीं हुई, हमेशा श्वेत नेत्र वाला नर ही क्यों पैदा हुआ जब हम श्वेत नेत्र वाले नर को ही लिए जनक के रूप में, तो उनसे F2 में नर मक्खी ही क्यों पैदा हुआ, वो इस बात से परेशान थे। उन्होंने कहा कि जरूर नेत्र से संबंधित, नेत्र लक्षण से संबंधित जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, तभी ऐसा हो रहा है कि एक विशेष लिंग पर आ रहा है, ये जो लक्षण है नेत्र का रंग वो किसी एक विशेष लिंग यानी नर पर आ रहा है। लिंग का मतलब समझते हैं ना, मेल या फीमेल, नर या मादा। तो मॉर्गन ने कहा कि अगर ये किसी एक विशेष लिंग पर आ रहा है ये लक्षण, तो जरूर इससे संबंधित जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। आपको पता नहीं गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। आपको बता दें जितने मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं उसका 60% फल मक्खी से मैच करता है, तो वो आपका टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ दिए, बस इतना जानिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको बताया कि मैंने गुणसूत्र दो प्रकार का होता है, गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है दैहिक गुणसूत्र, अगर नहीं याद है तो तुरंत याद कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताना पड़ता है ये सोच के कि कहीं आपको ना आता हो, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। सोमैटिक क्रोमोसोम। और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। आपको पता है गुणसूत्र पर ही जीन होते हैं, तो जो दैहिक गुणसूत्र होता है उन पर वे जीन होते हैं जो शरीर दैहिक मतलब शरीर के निर्माण संबंधी सूचना रखते हैं। हमारा पूरा शरीर है ये दैहिक कहलाता है, तो हमारे पूरे शरीर के समस्त भाग का निर्माण जो करता है उससे संबंधित जो जीन होता है वो दैहिक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी नाक कितनी लंबी होंगी और चेहरा कैसा होगा, बाल कैसा होगा, हाथ कितनी लंबी होगी, ये सभी की जो सूचनाएं हैं वो दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन लिंग का निर्धारण यानी
कि हम नर होंगे या मादा होंगे, इससे संबंधित जो जीन होता है वो लिंग गुणसूत्र पर होता है। यानी नर और मादा का निर्धारण कौन करता है? लिंग गुणसूत्र करते हैं। समझ में आया? ये हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं और ये हमारे लिंग का निर्माण करते हैं कि नर होंगे हम या मादा होंगे। तो 46 में से 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र। बचे दो गुणसूत्र वे लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नर में उन दो गुणसूत्रों को एक्स वाई से डिनोट करते हैं, मादा को एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। समझ में आया ना? 44 तो दैहिक गुणसूत्र होंगे, 44 और एक 45 और एक 46 मादा में हो गए। उसी तरीके से यहां पर 45 और एक 46 नर में हो गए। यानी लिंग गुणसूत्र हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, नर होंगे या मादा होंगे। अब इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि मनुष्य में, मनुष्य सहित बहुत सारे स्तनधारियों में, बहुत सारे जीवों में, मधुमक्खी सॉरी इस मक्खी में भी, ड्रोसोफिला मक्खी में भी लिंग गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स ही होता है। नर मक्खी में एक्स वाई पाया जाएगा और मादा में एक्स एक्स। ध्यान से समझिएगा कि लिंग गुणसूत्र मादा में एक्स एक्स प्रकार की यानी समजात होती हैं, लेकिन नर में असमजात होता है। एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाई जाती है। ये असमजात है, ये समजात है। तो मॉर्गन ने कहा कि जरूर नेत्र से संबंधित जो जीन है, अगर नेत्र से संबंधित रंग केवल उसी विशेष लिंग पर आ रहा है, मादा में नहीं जा रहा है, तो जरूर इससे संबंधित जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र पर ही उपस्थित होगा। और मॉर्गन ने बताया कि मक्खी में नेत्र से संबंधित जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं, एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, मॉर्गन ने क्या बताया कि मक्खी में नेत्र से संबंधित, नेत्र के रंग से संबंधित, नेत्र के रंग से संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, मॉर्गन ने बताया। फिर मॉर्गन ने डिनोट किया इन जीनों को एक लेटर से। वो कौन सा था? आइए देखते हैं। लाल नेत्र के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया जीन, और श्वेत नेत्र के लिए उन्होंने क्या जीन प्रयोग किया? लाल नेत्र के लिए उन्होंने W प्लस का प्रयोग किया और श्वेत नेत्र के लिए W का प्रयोग किया। ये जीन है, श्वेत नेत्र से संबंधित जीन को W से डिनोट किया और लाल नेत्र वाले जीन को उन्होंने W प्लस से डिनोट किया। और वो कह रहे हैं कि ये जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। अब आइए देखें श्वेत नेत्र के हम लिंग गुणसूत्र को कैसे दर्शा सकते हैं। तो श्वेत नेत्र के यहां से इसे इरेज करना पड़ेगा, इतना आप कहीं नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। मॉर्गन ने कहा कि श्वेत नेत्र का जो जीन है वो W से डिनोट करेंगे और नेत्र से संबंधित जीन कहां पाए जाते हैं? X। तो बताइए श्वेत नेत्र वाला जो नर है, नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाएगा? जल्दी बताइए, लिंग गुणसूत्र X और Y, यही तो पाए जाएंगे। और कह रहे हैं कि जो नेत्र से संबंधित जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो श्वेत नेत्र का जीन हम किससे डिनोट कर रहे हैं? W से। तो X के ऊपर हम ऐसे W लिख देंगे। समझ में आया? ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो श्वेत नेत्र का जीन W है वह X गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका क्रॉस करा रहे हैं लाल नेत्र वाली मादा से। बताइए मादा है तो इसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा? X, X पाया जाएगा ना, अभी बताया था मादा एक्स एक्स और नर एक्स वाई। और क्या कह रहे हैं कि लाल नेत्र से संबंधित जो जीन है वो W प्लस से डिनोट कर रहे हैं और ये कहाँ पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर। तो चूंकि इसके पास दो एक्स गुणसूत्र है
इसलिए इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर डब्लू प्लस और डब्लू प्लस पाया जाएगा। क्लियर। अब इनसे युग्मक बनेगा, युग्मक बनते समय गुणसूत्र आधे एक्स डब्लू और यहां वाई, ठीक है। इनसे भी युग्मक बनेगा, कौन कौन से, एक्स डब्लू प्लस और एक्स डब्लू प्लस, ठीक है। ये हो गया युग्मक, ये हो गया पैरेंटल पी वन जनरेशन। अब अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू प्लस, ठीक है। अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू और एक्स डब्लू प्लस। अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू प्लस और वाई, एक्स डब्लू प्लस यहाँ से और ये वाई यहाँ से। अगर ये नर युग्मक इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू प्लस और वाई। अब बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि लाल नेत्र वाला जो जीन है वो क्या है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। और जब प्रभावी जीन उपस्थित होता है, प्रभावी जीन उपस्थित हो तो कौन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, प्रभावी वाला ही ना। और W प्लस किसके लिए है, लाल नेत्र के लिए। यानी इसका जो लक्षण होगा, ये सब क्या है, F1 पीढ़ी है, इसका जो लक्षण होगा वो क्या होगा, लाल नेत्र। ये भी क्या होंगी, लाल नेत्र। ये भी क्या होंगे, लाल नेत्र। ये भी क्या होंगे, लाल नेत्र, क्योंकि सबके पास W प्लस का जीन है। आइए हम देखें कौन मादा है कौन नर है। ये देखिए, ये क्या है, मादा। ये क्या है, मादा। ये क्या है, नर। ये क्या है, नर। देखिए एफ वन पीढ़ी वही तो आई, मेंडल के अनुसार एफ वन पीढ़ी सबके सब लाल नेत्र। देखिए सब लाल नेत्र, क्रोमोसोम का पैटर्न जो मॉर्गन ने बताया कि कैसे कैसे क्रोमोसोम पर कौन से जीन उपस्थित होते हैं, उनके हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। एफ वन में सारे के सारे लाल नेत्र वाले उत्पन्न हुए, क्योंकि लाल नेत्र प्रभावी है और इसका जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, कन्फर्म हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि इस लाल नेत्र वाले F1 में बनने वाली जो लाल नेत्र की मादा थी, उनका संकरण इन्होंने लाल नेत्र के नर से किया। अब देखिए क्या होता है कि क्या ये सही आता है। उन्होंने क्या किया, F1 संततियों के नर व मादा के मध्य संकरण कराया। यानी उन्होंने किसका संकरण कराया, इस लाल नेत्र वाली मादा का इस लाल नेत्र वाले नर से। तो इस लाल नेत्र वाले मादा का गुणसूत्र बताइए, पैटर्न, लाल नेत्र मादा बताइए, एक्स डब्लू और एक्स डब्लू प्लस, यही तो है। और इसका क्रॉस इन्होंने किससे किया, लाल नेत्र वाले नर से किया। इसका बताइए क्रोमोसोम, एक्स डब्लू प्लस और वाई। अब यहाँ देखिए, इनसे युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के। ये क्या कहलाएंगे, P2 जनरेशन। अब इसमें युग्मक पहले बनेगा, और युग्मक बनते समय गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, यानी एक्स डब्लू एक युग्मक में और एक्स डब्लू प्लस दूसरे युग्मक में। और ये यहाँ पर भी गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, एक्स डब्लू प्लस एक युग्मक में और वाई एक युग्मक में। अगर ये नर युग्मक, सॉरी ये मादा है, ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से मिलता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू प्लस। ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से मिलता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू वाई। अगर ये इससे मिलता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू प्लस। और ये अगर इससे मिलता है तो क्या बनाएगा, एक्स डब्लू प्लस वाई। अब ये लक्षण देखते हैं, ये क्या हो गया, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का लक्षण बताइए, यहाँ पर W प्लस है तो क्या बनेगा, लाल नेत्र। यहाँ पर सिर्फ W है और Y है, तो W किसके लिए, श्वेत नेत्र के लिए।
डब्ल्यू प्लस है नहीं, तो क्या होगा श्वेत नेत्र। और ये बताइए डब्ल्यू प्लस आ गया है यानी यह लाल नेत्र होगा। ये बताइए डब्ल्यू प्लस आ गया ये क्या होगा लाल नेत्र होगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि कौन नर है कौन मादा। तो देखेंगे तो लाल नेत्र क्या है मादा, मादा ये है ना एक्स एक्स है एक्स वाई। श्वेत नेत्र क्या है नर, लाल नेत्र ये क्या है मादा, ये क्या है एक्स डब्ल्यू प्लस वाई लाल नेत्र क्या है नर। लाल नेत्र कितने बने एक दो तीन, देखिए एक दो तीन एफ टू में यही तो बना था दो मादा, जितनी भी मादाएं हैं सभी मादाएं लाल नेत्र, जितनी भी मादाएं हैं सभी लाल नेत्र, और जितने नर हैं उसमें से 50% लाल नेत्र देखिए और 50% श्वेत नेत्र, यही तो आया तीन लाल बने और एक श्वेत यानी 3:1 का रेशियो आया, सही था। मॉर्गन ने पाया कि मेंडल का एक संकर संकरण नियम तो बिल्कुल सत्य है, एकदम सही है। मेंडल ने पाया कि सटन बोवेरी जो कहते थे कि गुणसूत्र के द्वारा ये जीन वहन किए जाते हैं वो भी एकदम सही थे, यानी वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी एकदम सही हुआ। ये मॉर्गन का प्रयोग था, मॉर्गन का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत एकदम सही है। मॉर्गन ने एक और चीज खोज निकाला कि जो मक्खी में श्वेत नेत्र से संबंधित जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र पर पाई जाती है एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, और अगर इस लिंग गुण इस नेत्र संबंधित जीनों को हम किसी लेटर से डिनोट करते हैं तो हमें एकदम वही चीजें मिलती हैं जो मेंडल का नियम बताती हैं। यही था मॉर्गन का प्रयोग, समझ में आया कि मॉर्गन ने किस प्रकार से एक संकर संकर प्रयोग को सिद्ध किया, साथ ही साथ सटन और बोवेरी द्वारा गुणसूत्रीय सिद्धांत को भी सत्य किया। हमें पता है कि ये सब चीज़ें बहुत लेंदी जा रही हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपके किसी साइड बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो लिंकेज संलग्नता जीवन में नहीं समझ पाएंगे। लिंकेज या संलग्नता एक कोई ईजी टॉपिक नहीं है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो लिंकेज एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। और अगर आप इन टॉपिक को नहीं समझ पाए तो लिंकेज या संलग्नता भूल जाइए, वो समझ में नहीं आएगा किसी भी साइड बुक में। आपने देखा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी कि संलग्नता को समझ लें, कहीं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लिंकेज यानी संलग्नता एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैंने पिछले साल नहीं बताया था उसको। और चूंकि उस संलग्नता वाले टॉपिक में तो और दिमाग खपाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए, 2-3 बार रिपीट करके पढ़िए, समझ में जरूर आएगा। कुछ भी नहीं हम कर ले जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाओगे, बस कुछ चीज़ों का सावधानी रखनी है जो मॉर्गन ने बताया था। कि मॉर्गन ने बताया कि नेत्र से संबंधित जो जीन होते हैं वो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि दाहिक गुणसूत्र क्या होता है और लिंग गुणसूत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अर्धसूत्र विभाजन के बारे में भी पता होना चाहिए कि अर्धसूत्र विभाजन कैसे होता है। मैं बार बार कहूंगा कि अर्धसूत्र विभाजन को जितना रट पाइए उतना रटिए, क्योंकि इस टॉपिक में वही सबसे ज़्यादा है। तो इस टॉपिक को आप पूरा एकदम लिख डालिए, आप हेडिंग डालेंगे, आप पहले नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे जहां पर भी आपने एंड किया था वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत, उसके दूसरे लाइन से आप लिखेंगे कि वंशांगति के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन व उनके साथियों ने किया। आप लिखेंगे कि मॉर्गन ने फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर अपना प्रयोग किया, अध्ययन किया, और लिखेंगे कि फल मक्खी इस अध्ययन के लिए उपयुक्त पाई गई जिस इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला आप लिखेंगे कि इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता था। दूसरा, इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियां उत्पन्न हो सकती थीं। तीसरा, इनका पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्ण हो जाता था। चौथा आप लिखेंगे कि इनमें लिंग विभेदन स्पष्ट था, नर व मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। और पांचवा आप लिखेंगे कि इनमें आनुवंशिक विविधताएं अनेक प्रकार की पाई जाती हैं जिन्हें सरल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था। अब आप अगली लाइन से हेडनाल के लिखेंगे कि वंशांगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन, और इसमें लिखेंगे कि मॉर्गन ने फल मक्खियों पर प्रयोग के दौरान जंगली प्रकार ब्रैकेट में लिखेंगे वाइल्ड टाइप और डैश करके लिखेंगे नेचुरल फॉर्म और फिर डैश करके लिखेंगे कि वे फल मक्खियाँ जो प्रकृति में सामान्य रूप से पाई जाती हैं, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे कि मक्खी में लाल नेत्र वाली मक्खियों के समूहों में श्वेत नेत्र
वाली मक्खी, ब्रैकेट में लिखेंगे म्यूटेंट टाइप, फिर डैश करके लिखेंगे कि वे जीव जो आनुवंशिक विभिन्नता के कारण सामान्य से भिन्न हो, ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या लिखा कि श्वेत नेत्र वाली, हाँ, फिर म्यूटेंट टाइप वाली मक्खियों को देखा, ऐसे लिखेंगे कि श्वेत नेत्र वाली नर मक्खियों को देखा। फिर आप अगले लाइन से लिखेंगे, मॉर्गन ने श्वेत नेत्र वाले नर मक्खी का संकरण लाल नेत्र वाली मादा मक्खियों के साथ किया और F1 पीढ़ी में सभी संततियां लाल नेत्र वाली उत्पन्न हुई। लिखेंगे, यह दर्शाता है कि लाल नेत्र श्वेत नेत्र पर प्रभावी है। आगे लिखेंगे कि मॉर्गन ने F1 संततियों के नर व मादा के मध्य आपस में संकरण कराया और जैसा कि अपेक्षित था, मेंडल के एक संकर संकरण नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त हो, बिल्कुल वैसा ही अनुपात मॉर्गन को F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। बस अभी आप ये फिगर बनाएंगे इस तरह से, ये जो आपको दिखाया गया ना, ये बनाएंगे सिर्फ लिख कर, लाल नेत्र श्वेत नेत्र इतना तक बनाएंगे। फिर आप अगली लाइन से लिखेंगे, मॉर्गन के प्रयोगों के निष्कर्ष यह प्रदर्शित करता है कि मेंडल का नियम सत्य था, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग पौधे पर किया था और मॉर्गन ने अपने प्रयोग कीट पर किया। मॉर्गन ने देखा कि नेत्र रंग से संबंधित लक्षण की वंशांगति तो मेंडल के नियम के अनुसार ही हुई थी, किंतु F2 पीढ़ी में प्राप्त श्वेत नेत्र वाला मक्खी नर था, अर्थात यहाँ मादा मक्खी में श्वेत नेत्र ना होने का क्या कारण था। अगली लाइन से लिखेंगे कि प्रयोगों के निष्कर्ष सिर्फ यही नहीं बताते कि वंशांगति का गुणसूत्री सिद्धांत सत्य है, बल्कि कुछ अन्य निष्कर्ष भी प्राप्त हुए जो निम्न हैं। डैश करके लिखेंगे, पहला पॉइंट नहीं, ऐसे स्टाफ बना के लिखेंगे, मॉर्गन को यह अंदाजा था कि नेत्र से संबंधित जीन लिंग सहलग्न है। अब ये जो लिंग सहलग्न शब्द आया, इसका क्या मतलब होता है? लिंग सहलग्न जीन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। तो वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाए, ऐसे जीन को हम सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। वो जीन जो लिंग गुणसूत्रों यानी सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ऐसे जीन को लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। याद हुआ, लिंग सहलग्न जीन किसे कहते हैं? वो जीन जो लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न जीन। याद हुआ, वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, आइदर एक्स और वाई किसी एक पर, या एक्स गुणसूत्र पर या वाई गुणसूत्र पर अगर पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र पर अगर कोई जीन पाया जाता है, तो उसे हम लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। वे लक्षण जिसके जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, उन लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। यानी श्वेत नेत्र या लाल नेत्र क्या है? लिंग सहलग्न लक्षण है मक्खियों का। क्लियर हुआ? बताइए, लिंग सहलग्न जीन किसे कहते हैं? वो जीन जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाए, ठीक। लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं? वह लक्षण जिसका जीन लिंग गुणसूत्र पर पाया जाए, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाता है, ठीक है। स्टार ब्रैकेट बना के अगले लाइन से ये भी लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे लिंग सहलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन, और इसमें लिखेंगे कि वह जीन जो लिंग गुणसूत्र एक्स या वाई पर पाए जाते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। आगे लिखेंगे, वह लक्षण जिसके जीन लिंग गुणसूत्र पर होते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, दाहिक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, दाहिक गुणसूत्र क्या होते हैं? वे गुणसूत्र जिन पर शरीर से संबंधित जीन उपस्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो जीव का लिंग निर्धारित करते हैं, वो नर होगा या मादा, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगली लाइन से सीधे आप लिखेंगे, मॉर्गन ने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर बताया कि मक्खी में नेत्र से संबंधित जीन
एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और इस जीन की वंशांगति निम्न प्रकार से होती है, डैश करके फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि यहाँ लिंग गुणसूत्रों को एक्स और वाई से प्रदर्शित किया जा रहा है तथा नेत्र से संबंधित जीन को क्रमशः श्वेत नेत्र के लिए डब्लू तथा लाल नेत्र के लिए डब्लू प्लस से प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, अगली लाइन से ऐसे लिख लेंगे, श्वेत नेत्र के लिए जीन डब्लू, लाल नेत्र के लिए जीन डब्लू प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं ये प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण। तो अगली लाइन से फिर आप ऐसे लिखेंगे, पहले सब कुछ एकदम एक्यूरेट रहे, लिखेंगे कि श्वेत नेत्र वाले नर का गुणसूत्र क्या होगा, x w y। फिर अगली लाइन से लिखेंगे कि लाल नेत्र वाली मादा का गुणसूत्र, डैश करके लिखेंगे x w प्लस x w प्लस। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि जैसा कि मॉर्गन ने श्वेत नेत्र वाले नर का संकरण लाल नेत्र वाली मादा मक्खी से किया, इसका गुणसूत्रीय प्रदर्शन निम्न है। अब यहाँ से आप डैश करके पूरा नोट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक, पूरा ये छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पूरा ये आपको ये पूरा लिख डालना है। इसको लिखने के बाद फिर आप अगले लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार एफ टू पीढ़ी में सभी मादाएं लाल नेत्र वाली तथा 50% नर श्वेत नेत्र वाले तथा 50% नर लाल नेत्र वाले उत्पन्न होते हैं और इन निष्कर्षों से यह तय होता है कि नेत्र से संबंधित जीन लिंग गुणसूत्र एक्स पर पाया जाता है और लाल नेत्र का जीन डब्लू प्लस श्वेत नेत्र के जीन ब्रैकेट में डब्लू पर प्रभावी होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि जो नर हैं, नर में वाई गुणसूत्र पर इसका एलील क्या होगा। तो आपको पता है कि कोई भी जो जीन होता है उसके जो दो एलील होते हैं वो समजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। चूंकि यहाँ पर जो नर है उसमें गुणसूत्र असमजात है, देखिए बात सोचने वाली है ना, कि आपने कहा कि ठीक है जीन यहाँ पर एक्स पर पाया जाता है लेकिन नर में एक्स और वाई है तो इसका जो एलील है यहाँ पर देखिए तो दोनों पर लिखा है ना, क्योंकि आपको बताया कि हर एक जीन के दो एलील होते हैं, वो दोनों एलील समजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों एलील अलग अलग समजात गुणसूत्र पर उपस्थित है, समजात गुणसूत्र का मतलब जो एक जैसे हो, एक्स एक्स दोनों एक जैसे हैं ना, तो इन पर पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वाई पर इसका जीन क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक्स और वाई असमजात हैं, ये एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। एक्स गुणसूत्र अलग होता है, वाई गुणसूत्र अलग होता है, एक जैसे नहीं दिखते। तो जो इन दोनों गुणसूत्रों को क्या कहेंगे, असमजात गुणसूत्र। और कभी भी किसी जीन के एलील एक दूसरे के असमजात गुणसूत्र पर नहीं पाए जाते, इसीलिए इसके वाई पर इसका कोई भी जीन नहीं पाया जाता। तो ये रीजन है कि श्वेत नेत्र वाला ही जो नर है वही श्वेत नेत्र वाला क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो आप अगले लाइन से लिखेंगे कि अब श्वेत नेत्र वाला जीन डब्लू वाई गुणसूत्र पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लिखा के फिर आगे लिखेंगे कि जिससे केवल नर ही श्वेत नेत्र वाला उत्पन्न होता है। तो आगे लिखेंगे इसका कारण यह है कि कुछ जीवों जैसे ड्रोसोफिला में नर में केवल एक एक्स गुणसूत्र तथा एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मादा में दो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। लास्ट लाइन लिखेंगे कि मॉर्गन का यह प्रयोग मेंडल के नियम तथा सटन तथा बोवेरी द्वारा प्रस्तुत वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का सत्यापन करता है। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। इसमें आपने समझा कि किस प्रकार से मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके यह सत्य किया कि मेंडल का नियम सही था और साथ ही साथ उन्होंने लिंग संलग्न जीन के बारे में बताया। मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंग संलग्न जीनों पर और अध्ययन किया और एक और टर्म की खोज की जिसे हम संलग्नता यानी लिंकेज कहते हैं। लिंकेज बड़ा टॉपिक है इसलिए उसे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी नित्या के साथ। धन्यवाद।